अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाएं पीएमवाईटी कोड और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिए पीएमवाईटी कोड लगाना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे ONGC की तरफ से यहाँ पे रिलीज की गई है। अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। 3600 प्लस पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। चलिए फटाफट से यहाँ पे आगे की डिटेल्स जान लेते हैं। गाइस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। इसके अंडर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है, रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। तो बात करेंगे कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। 27 अप्रैल से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। 15 मई तक आप लोग इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर की बात करेंगे, 209 पोस्ट है। देहरादून, दिल्ली और जोधपुर इसके अंदर आता है। आगे बात करेंगे गाइस ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे गिवन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देहरादून, दिल्ली और जोधपुर, और टोटल मैंने आपको बता दिया है नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर यहाँ पे 209 पोस्ट हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे मुंबई सेक्टर की, तो मुंबई सेक्टर के अंदर टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे 305 पोस्ट हैं, जिसके अंदर मुंबई, गोवा और हजीरा यहाँ पे आपका वर्क सेंटर है। तो आप इसकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी गाइस यहाँ पे गिवन है। वेस्टर्न सेक्टर की बात करेंगे तो 1434 पोस्ट हैं गाइस, जिसके अंदर कॉम्बे है, वडोदरा है, अंकलेश्वर है, अहमदाबाद है, मेहसाना है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन गाइस यहाँ पे गिवन है। आगे देखेंगे, बात करेंगे साउदर्न सेक्टर की, तो साउदर्न सेक्टर के अंदर यहाँ पे टोटल 694 पोस्ट हैं। आप गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेन्नई है, काकीनाडा है, राजमुंद्री है, करईकल है, यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वर्क सेंटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइस बात करेंगे सेंट्रल सेक्टर की, तो यहाँ पे 228 पोस्ट है, जिसके अंदर अगरतला आता है आपका और कोलकाता आ रहा है। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो गाइस अकाउंट एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट को छोड़ करके अगर हम देखेंगे बाकी सब, तो यहाँ पे सबके अंदर आपसे ITI मांगी है गिवन ट्रेड के अंदर। एक अगर हम यहाँ पे देख लेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो इसके अंदर आपसे यहाँ पे BSc मांगी है विद PCM या फिर PCB। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, तो आपने बैचलर डिग्री यहाँ पे अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट किया हो कॉमर्स यानी कि BCOM के अंदर फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, तो ही आप इसके लिए यहाँ पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, तो आपने अपनी बैचलर डिग्री यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो BA या फिर BBA आपने यहाँ पे उसके अंदर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की हो फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबके लिए यहाँ पे ITI मांगा है इन रिलेवेंट ट्रेड, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ITI ही मांगा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इनकी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। तो गाइस आपने यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा हो अगर यहाँ पे, तो फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे, तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। ये एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है आपको, वो यहाँ पे 15 मई 2022 को फुलफिल होना चाहिए। एज के अंदर यहाँ पे रिलैक्सेशन भी गिवन है, एज रिलैक्सेशन, तो आप इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे गाइस, यहाँ पे आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है, जिन्होंने BA, BCOM, BSc, BBA किया होगा, उनके लिए यहाँ पे 9000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी, 9000 पर मंथ आपकी पेमेंट रहेगी। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे ITI की है 1 ईयर की, तो यहाँ पे 7700 रुपीज पेमेंट रहेगी। जिन्होंने 2 साल की ITI की हुई है यहाँ पे, तो 8050 रुपीज रहेगी। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, यहाँ पे अप्रेंटिसिस के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उनके लिए यहाँ पे 8000 रुपीज आपकी पर मंथ की पेमेंट रहेगी। होप सो गाइस सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आपको। अब अगर आप लोग एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कहाँ से अप्लाई करेंगे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उससे पहले अगर आप लोगों ने ट्रेड यहाँ पे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इसके द्वारा आप जाकर के यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं, apprenticeshipindia.org पे जाकर के आप लोग इसके साथ रजिस्टर होंगे। दूसरी बात यह है कि और अदर ट्रेड्स के लिए यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर बात करेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप यानी बोर्ड के साथ आपको यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा इन देयर पोर्टल नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसके अंदर आपको यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप जाकर के अप्लाई कर पाएंगे ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeship.ong.co.in पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। होप सो गाइस सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफ कैट, सीपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी, नेट, आईआईटी, जेईई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।